हाँ जी भैया। मैम ये आपका नूडल्स, आपने ऑर्डर किया था। नहीं नहीं भैया, ये मैं नहीं ले सकती, वो मेरी बहन है ना, वो मेरे फोन से खेल रही थी तो उससे गलती से ऑर्डर हो गया होगा, मैं ये नहीं ले सकती। मैडम अब तो मैं लेकर आ गया हूँ और ऑर्डर भी आपके फोन से हुआ है तो आपको लेना ही पड़ेगा। आप मुझे 450 पे कर दीजिए। देखिए भैया ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे पास इतना पैसा है भी नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। दीदी 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 मुझे दिला दो ना, दिला दो मुझे दिला दो। इसे खाने से ना पेट में दर्द होगा, मैंने दाल चावल बनाया है तुम वो खाओ। नहीं 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 मुझे नहीं खाना, मुझे यही खाना है, मुझे यही खाना है। देखो अनु ऐसा जिद नहीं करते, और अभी भैया अभी घर पर नहीं है, वो शाम को जब वापस आएंगे तो पैसा लेकर आएंगे, तब हम लोग शाम को घूमने जाएंगे और मैं तुम्हें बहुत सारा खाने की चीज खरीद कर दूंगी, ठीक है। नहीं 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 मुझे यही खाना है, दोना भैया दोना दोना दोना। भैया आप प्लीज इसे वापस लेकर जाइए, अनु ऐसा नहीं करते। मैम ये वापस तो नहीं हो पाएगा। देखिए भैया मेरी बहन स्पेशल चाइल्ड है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं समझती है, लेकिन आप तो समझते हो ना, ये गलती से ऑर्डर हो गया। नहीं नहीं दीदी गलती से नहीं ऑर्डर, मैंने दिया ऑर्डर। भैया दो ना दो ना दो ना। खो अनु ऐसा जिद नहीं करते, मैंने तुम्हें समझाया है ना। भैया आप इसे लेकर जाइए, नहीं तो ये ऐसे ही जिद करती रहेगी। मैडम ये वापस तो नहीं हो पाएगा, आप इसे रख लीजिए। नहीं नहीं भैया मैं ही नहीं ले सकती, अगर मैं ले सकती थी तो मैं आपको पहले ही बता देती। डोंट वरी मैडम, मैं इसके पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मेरी तरफ से ये आप इनको खिला दीजिए, वो खुश हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू। हेलो। हाँ बोले यार। अरे भाई कहाँ है तू, जल्दी से ऑफिस पहुँच। रास्ते में हूँ। क्यों क्या हुआ? अरे भाई आज क्या कांड कर दिया तूने, सबको फ्री में नूडल्स बांट रहा है, पता है बॉस कितना गुस्सा कर रहे हैं तेरे पे, और पता है उस नूडल्स के पैसे ना तेरे सैलरी से काटेंगे, वही नहीं तेरा जॉब भी जाएगा आज, जल्दी से ऑफिस पहुँच। ठीक है भाई मैं आता हूँ। मे आई कम इन सर? यस कम इन। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज तुमने जो भी किया मुझे सब पता है, लेकिन सच मैं तुम्हारे मुंह से सुनूंगा। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जॉब से मत निकालिए, मैं आपको सब बताता हूँ। सर दरअसल हुआ ये था कि जब मैं ऑर्डर लेकर वहाँ पहुँचा तब मुझे पता चला कि ऑर्डर गलती से हो गया था, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी कि वो मुझे बिल पे कर सके, और सर वो स्पेशल चाइल्ड थी जो नूडल्स खाने की बहुत जिद कर रही थी, तो इसीलिए मैंने वो नूडल्स उन्हें फ्री में दे दिए। सर नूडल्स लेकर बच्ची के चेहरे पर जो खुशी थी वो देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। सर सर आप नूडल्स के पैसे मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा। सर तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया? आई एम सॉरी सर। अरे सॉरी की कोई बात नहीं है, और पैसा जो है ना वो तुम्हारी सैलरी से भी नहीं काटी जाएगी, क्योंकि तुमने जो किया है ना उसके वजह से सोशल मीडिया पे तुम काफी फेमस हो गए हो, कितने लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, और वो लड़की ने सोशल मीडिया पे लाइव आके तुम्हें थैंक्स बोला है, काफी लोग रिक्वेस्ट करे कि हमारी कंपनी से फूड ऑर्डर किया जाए, जिसके वजह से हमारे कंपनी के जितने भी वर्कर्स हैं सब बिजी हो गए, उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। लोग अपने कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या क्या नहीं करते, और तुम्हारे एक अच्छे काम की वजह से हमारी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट दुनिया भर में हो रही है। तुम खुद देखो वीडियो। हेलो गाइस, ऐसे तो मैं सोशल मीडिया पर लाइव नहीं आती, बट आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे लाइव आना पड़ा। दुनिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं, कुछ बुरे कुछ अच्छे, ऐसे ही मैं एक अच्छा इंसान से मिली आज। एक्चुअली मेरी बहन से गलती से फूड ऑर्डर हो गया था, तो जनरली डिलीवरी बॉय आ गया खाना देने के लिए, बट मैं इतना महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, बट उस डिलीवरी बॉय ने जस्ट बिकॉज मेरी बहन को खुश देखने के लिए बिना पैसे लिए खाना दे, मुझे इस चीज़ से बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई, तो मैं इस वीडियो के जरिए उस डिलीवरी बॉय को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच भैया, एंड बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि डिलीवरी बॉय को भी रिस्पेक्ट दिया कीजिए, एंड वी एन फूड कंपनी से फूड ऑर्डर कीजिए। थैंक यू। तुम अच्छे इंसान नहीं बल्कि तुम्हारा दिल भी अच्छा है, तुम्हारी दरिया दिली की वजह से ये कंपनी काफ़ी प्रॉफिट में चल रही है। सर मैंने जो कुछ भी किया मैंने कुछ सोच समझ के नहीं किया था सर, बस मैं उस बच्ची के चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। अब खुश तुम भी हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अब डिलीवरी बॉय की जॉब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सेल्स के हेड बना दिए गए,
और तुम्हारा जो सैलरी है वो डबल कर दिया गया। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसे पढ़ के साइन कर लो, कल से जॉब पे आ जाना। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें जैसे ऑनेस्ट और मेहनती लोगों को इस कंपनी की जरूरत है, कल से काम पे आ जाना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।